चैनल। तो आज का व्लॉग होने वाला है ईद व्लॉग, और पर आज ईद नहीं है। माय यूट्यूब चैनल, तो आज का व्लॉग है ईद व्लॉग, पर आज ईद नहीं है, ईद है कल, पर मैं इसको आज से शुरू कर रही हूँ। पर हाँ, जब तक आपको ये वीडियो मिलेगी देखने को तो हो सकता है ईद चली गई हो। तो आज है चांद रात, तो सबसे पहले जैसी चांद निकलने की न्यूज़ मिली तो सबसे पहले ना मैंने जलेबी खाई, और मुझे जलेबी बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बाद में ना क्या होता है यार, बहुत सारा काम होता है, मैं इतना थक गई थी बहुत ज़्यादा। फिर मेहंदी लगवाना, मैंने तो बोला चलो मेहंदी लगा लेते हैं, और फिर जब मैं सुबह उठी तो फिर हाँ सब ये मेहंदी वेहंदी का काम हो गया था, वरना ये बाद में बड़ा दिक्कत करता है। मैं वैसे लगाती नहीं हूँ ज़्यादा मेहंदी, पर इस बार मैंने लगा ली है। उसके बाद में यहाँ पर मैं शीर बना रही हूँ, वैसे सब कुछ रेडी कर लिया था मम्मी ने, पर शीर मैं ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट वगैरह, ये चिरौंजी है, इसको मैं अच्छे से फ्राई कर रही हूँ देसी घी में। इसके बाद में मैं दिखाती हूँ हमारे घर में आज क्या क्या बनाया, मतलब ईद पर क्या क्या बनाया था। तो खीर और छोले ये मैंने बनाया, जैसे मैं बताई थी ना मैंने बनाया था, ये शीर खुरमा मैंने बनाया है, ठीक है। इसकी रेसिपी मैंने नहीं डाली क्योंकि मैं थोड़ी बिज़ी हो गई थी बनाने में, तो मैं नहीं डाल पाई। इसके बाद में हमने बनाए हैं, इसमें क्या है रुको देखने दो, हाँ इसमें है छाछ फुल्की, ठीक है, इसमें है छाछ फुल्की, और इसके बाद में इसमें है दही बड़े, ठीक है, ये हम ये बनाए हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपनी ड्रेस, तो यहाँ पर ये वाली ड्रेस मैं आज पहनने वाली हूँ, ठीक है। और हाँ, ये ड्रेस मैं ले आई थी बहुत दिनों पहले ही, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हो रही थी इसे पहनने के लिए। और यहाँ पर है मेरी हील्स, और मैं दिखाती हूँ आपको, इसे खोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही क्योंकि मैं एक हाथ से वीडियो बना रही थी और एक हाथ से शूट कर रही थी। तो मुझे बताना कि कैसे लगे आपको मेरे कपड़े और हील्स, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। इसके बाद में भाई सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेकअप, यस थोड़ा सा मेकअप करने वाली हूँ मैं अब तो। हाँ बस थोड़ा बहुत मेकअप, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन, क्योंकि मेकअप डायरेक्ट लगाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हार्म करता है आपकी स्किन को। इसके बाद में मैं यहाँ कंसीलर लगा रही हूँ, और फिर इसके बाद में फाउंडेशन, ठीक है, अभी फाउंडेशन, हाँ इसके बाद में यहाँ पे मैं लगा रही हूँ फाउंडेशन, और फिर यहाँ पे मैंने ब्लश लगाया था, ज़्यादा हो गया था, मैं उसको ठीक कर रही थी। इसके बाद मैंने यहाँ पर लाइट अच्छी नहीं आ रही थी तो मेरी फ़ोटो अच्छी नहीं आई, तो मैंने ना अपना फेस ढक लिया, पर हाँ आप देख सकते हो। इसके बाद में बहुत सारे बच्चे आए हमारे घर पर, हम भी गए थे सबके घर पर मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ा अजीब लगता है सबके घर में शूट करना। इसके बाद में ये मेरा भाई, ये पता नहीं क्या करना चाह रहा है, इसको कोई मतलब नहीं किसी से, ये बस खेल में बिजी है, इसको सिर्फ खेलना है। और हाँ मैं ना आपको अपनी ईदी दिखाना भूल गई, लेकिन हाँ अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे ना तो मैं आपको बताऊँगी कि मुझे कितनी ईदी मिली, क्योंकि यार इतना सब कुछ होता है ना तो शूट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और मतलब ऐसे पहली बार था जब मैं शूट कर रही थी तो हाँ। और ये मेरा भाई खेल रहा है, तो इसके बाद में ना मैंने इसे टोपी पहना दी और इतना क्यूट लग रहा था बहुत ज़्यादा। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट, बाय।